नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के खिलाफ इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान को फांसी देने की मांग, बोले विपक्ष के नेता रियाज अहमद, सरेआम फांसी दी जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के चेहरे का दिल्ली में होगा फैसला। मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदार सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार पहुंचे दिल्ली। बेंगलुरु से दिल्ली तक दोनों नेताओं के समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। आलाकमान लेगा आखिरी फैसला। मध्य प्रदेश में कर्नाटक के फॉर्मूले पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। चुनाव में 5 गारंटी के वादे के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में पार्टी, बोले कमलनाथ, दक्षिण भारत ने उत्तर भारत को दिखाई दिशा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए जारी उठापटक के बीच प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस ने कर्नाटक में 135 सीट पर जीत हासिल की। डीके और सिद्धा दोनों को ही दिल्ली बुलाया गया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने तैयार किया है मेगा प्लान। 30 मई से भाजपा के शुरू होंगे मेगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री खुद मेगा रैलियों को करेंगे संबोधित। पटियाला के गुरुद्वारे में कथित तौर पर शराब पीने पर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक महिला की पहचान परविंदर कौर के तौर पर की गई है, जिसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शेगांव में एक जुलूस को लेकर सांप्रदायिक झड़प। कम से कम 5 लोग घायल। पथराव में कई दुकान और वाहन क्षतिग्रस्त। इंटरनेट सेवाएं निलंबित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार की समीक्षा। निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात की और चुनाव परिणाम तथा भविष्य के लिए पार्टी को फिर से तैयार करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे मिश्र की यात्रा पर सेना ने कहा, जनरल पांडे मिश्र के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ, रक्षा मंत्री और मिश्र के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ करेंगे बातचीत। अपने अंतिम कार्य दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमआर शाह भावुक हुए। कहा, मैं सेवानिवृत्त होने वाला व्यक्ति नहीं, जीवन में एक नई पारी की करूंगा शुरुआत। विदाई से पहले राज कपूर के फिल्म के गाने का उल्लेख करते हुए कहा, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से की आंदोलन खत्म करने की अपील। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं पहलवान। पॉक्सो में केस दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर उठाए सवाल। उद्धव ठाकरे के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के दबाव में नासिक पुलिस ने मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया है। कहा, महाराष्ट्र में लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता बुरी तरह से प्रभावित हुई है और इस प्रकार की तानाशाही से लड़ना होगा। अरुणाचल प्रदेश के भारत तिब्बत सीमा पर स्थित भारत के अंतिम गांव किबेतू में 4G सेवा की शुरुआत। एयरटेल ने सफलतापूर्वक गांव के लोगों के लिए की 4G मोबाइल कनेक्टिविटी सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री पेमा खाडू ने इसे बड़ा कदम बताया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कथित रूप से शराब पीने के बाद सेना के एक जवान समेत 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के रोगदा गांव में कथित रूप से शराब पीने के बाद नंदलाल कश्यप, सतीश कश्यप और परशुराम साहू की मौत हो गई। कर्नाटक में मालगाड़ी की चपेट में आने से 17 भैंसों की मौत हो गई। मंगलुरु के जुकाटे आंगरगुड़ी के पास रविवार को आधी रात को हुए हादसे के बाद बचाव कार्य 3 घंटे तक चला। आर्यन केस में विजिलेंस का बड़ा खुलासा। शाहरुख खान से 25 करोड़ लेने के लिए समीर वानखेड़े ने आर्यन को केस में फंसाया। 50 लाख टोकन मनी के रूप में भी वसूले। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने की भाव 370 रुपए बढ़कर 61,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। चांदी भी 750 रुपए उछलकर 74,350 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 318 अंक की बढ़त के साथ 62,346 अंक पर हुआ बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 84 अंक की उछाल के साथ 18,399 अंक पर हुआ बंद। तो केरला स्टोरी में लीड रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस सदा शर्मा और निर्देशक सुदीप्त सेन का हुआ रोड एक्सीडेंट। दोनों करीम नगर में हिंदू एकता में शामिल होने जा रहे थे। अदा ने ट्वीट किया, मामला गंभीर और चिंता के लायक नहीं है। फिल्म जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर हुआ रिलीज। विकी कौशल और सारा अली खान है लीड रोल में। लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित यह मूवी 2 जून को होगी रिलीज। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।